नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के बीच बाजार नोकझोंक हो गई। रीवा सांसद ने अपने सिर पर कोरोना विशेष हेलमेट लगाए हुए थे जिनके चारों ओर तार निकले हुए थे, उनके करीब 2 मीटर तक कोई नहीं आ सकता था। इस बीच रीवा सांसद लोगों को मास्क लगाने और डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे। साईं मंदिर से जैसे ही रीवा सांसद से शुरुआत की तभी कविता पांडे अपने महिला साथियों के साथ ऑटो को रस्सी खींचते हुए वहां आ पहुंची और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहनाने के लिए एक लिफाफा देने लगी। सांसद जनार्दन मिश्रा सर पर लगे रॉडों को हिलाने लगे और लिफाफा लेने से इनकार करते हुए वहां से निकल गए। इस संबंध में कविता पांडे से पूछे जाने पर पता चला कि लिफाफा स्मृति ईरानी को भेजा जा रहा है जिसमें चूड़ियां हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे तो अच्छा है कि प्रधानमंत्री चूड़ी पहनकर बैठ जाए। अब वो चूड़ियों से भरा लिफाफा कविता पांडे लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंची हैं जहां से प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने के लिए लिफाफा पेश किया जाएगा। भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल के दामों ने 90 रुपए का आंकड़ा पार किया है। पूरी भारत की 140 करोड़ जनता कराह रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जहां एक पहले ये कहा करते थे कि हम अब की बार मोदी सरकार और तेल का दाम सस्ता हम देंगे 30 या 35 रुपए किलो। आपको याद है स्मृति ईरानी चूड़ी लेके घुमा करती थी और कहा करती थी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। ये स्मृति ईरानी जी को हम लोग चूड़ी भेज रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को ये चूड़ी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको चूड़ियाँ बांटने का बड़ा शौक है। रही बात, आज किसान परेशान है, जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है किसानों का, क्योंकि किसानी में सबसे ज़्यादा डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो परेशानी में परिवहन के दाम बढ़े चले जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने के कारण अनाज गल्ला सब्जी भाजी और सारा सामान महंगा हो जाएगा। तो जो कोरोना काल में जब मरीवा पूरे देश में भुखमरी का आलम है, मध्य प्रदेश में भी गरीबी का आलम है, तो हमारी जेबों में, जनता की जेबों में कुछ पैसा डालना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार जेबों में पैसा डालने के बदले हमारी जेबों को काटने में लगी हुई है। तो आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग चेतावनी देते हैं कि डीजल के दाम कम करिए और नहीं तो आंदोलन उग्र होगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी सांसद जी को मैंने ये दिया कि आप सांसद हैं, रीवा के सांसद हैं और रीवा के 24 लाख लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। स्मृति जी पहले प्रधानमंत्री को चूड़ी देती थी, तो आप दिल्ली जाएंगे तो इसको लिए जाइएगा। तो सांसद भैया भाग गए, बोले हम न ले जाएंगे, तो हमको तो भिजवाना है, तो सांसद जी ने ले जाएंगे तो हम कमिश्नर से भिजवाएंगे। स्मृति ईरानी जी को देंगे, क्योंकि वह कहती थी कि हमको प्रधानमंत्री को चूड़ी भेंट करना है क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो इसलिए स्मृति जी खुद जाके प्रधानमंत्री को ये चूड़ी देंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ स्मृति ईरानी से। सांसद जी ने नहीं लिया तो आप किसके माध्यम से इसको भेजेंगे? हम कमिश्नर साहब को देंगे, ये हमारा लिफाफा रेडी है और हम बोलेंगे कि वो चाहे कुरियर से भेजें और चाहे जो भी तरीके से भेजें, लेकिन स्मृति जी तक तो ये चिड़ी पहुंच के रहेगी और उनको प्रधानमंत्री जी को देने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला है। उन्होंने एक बार कहा था कि हम आभूषण और श्रृंगार हमारा है और मैं देना चाहती हूँ, तो ये बात हम लोग भेज रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।